देखिए, अभी राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने मुलाकात की और मौजूदा परिस्थिति पर हमने चर्चाएं की और उन्होंने कहा है कि इस विषय को जल्दी से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए और चुनावी मैदान में लग जाना चाहिए और वो गठबंधन के पक्ष में है और सीटों की आंकड़े के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी और भी दल हैं, हम सभी लोगों से संपर्क साध रहे हैं। ये जेबीएम से क्या बातचीत हो रही है? जेबीएम से बातचीत हो रही है क्या? नॉमिनेशन है सर, अभी तक हुआ नहीं इधर वाला। हाँ, जेबीएम वाले को नॉमिनेशन शुरू है अच्छे से, एक वाले में फर्स्ट फेज कीजिए। अरे चिंता सिर्फ विपक्ष का ही मत कीजिए, सत्ता पक्ष का भी थोड़ा चिंता ले लीजिए और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं और पूरे भरोसा के साथ कहते हैं कि सत्ता पक्ष से पहले हम लोग चीजों को आप लोग के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जेबीएम से बातचीत हुई क्या? जेबीएम के कोई चर्चा हुई लालू जी से? नहीं, सभी लोगों से संपर्क हो रहा है, संपर्क साधा जा रहा है और इस विषय पर भी लालू जी से भी बात हुई है और बातों का पूरा सार हम आप लोग को बाद में बताएंगे। कितने सीटों पे लालू जी कह रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर? उनकी सीट हम बता देंगे तो फिर बाकी सीटों का क्यों हम नहीं बताएंगे? सभी का जेबीएम से बात हो रही है, जेबीएम को जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जेबीएम बाहर आ रही है, ये इसमें कितनी सच्चाई? हमने वहां पर भी अपना संदेश दिया हुआ है मुलाकात करने के लिए और जैसे ही मुलाकात होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा।